Salut, bonjour, comment ça va? Je vais très bien. Hi everyone, this is Jagnish here from Wisdom Commerce Classes and I hope you all are doing great. Here we are presenting you the next video of Basic French. What we have done so far are the basics, vocabularies, fruits, vegetables, alphabets, numbers, articles, nouns, and in this particular video what we are going to do are the verbs. फ्रेंच में वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर और एक होते हैं इरेगुलर. इरेगुलर हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द रेगुलर वर्ब्स. वी आर गोइंग टू लुक एट द रेगुलर वर्ब्स. तो फ्रेंच में इन ऑल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स. ईआर एंडिंग वर्ब्स, आर एंडिंग वर्ब्स एंड आर ई एंडिंग वर्ब्स. कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं? ईआर, आईआर एंड आरई. तो ये तीन वर्ब्स को किस तरह से कॉन्जुगेट करेंगे और सेंटेंसेस फ्रेम करने में हेल्प होगी वो आइए हम देखने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में. व्हाट आर द वर्ब्स इन इंग्लिश? आई गेस एनी वर्ड दैट स्टार्ट्स विद टू. टू प्ले, टू डांस, टू सिंग, टू रन, टू लाइक, टू हेट, टू ईट, टू स्मोक. आई गेस ये सारे वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में. सो उन वर्ब्स को हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं. आई एम प्लेइंग, शी इज रनिंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट. ओके, तो ऐसा कोई भी हम क्या करेंगे, इस वर्ब से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस फ्रेम करने वाले हैं. सो लेट्स सी नाउ व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स. उसको किस तरह से हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे और सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे. बिफोर दैट आई वांट टू राइट फ्यू वर्ड्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर. ज का मतलब होता है आई, ट्यू का मतलब होता है यू, इल का मतलब होता है ही, एल का मतलब होता है शी, नू का मतलब होता है वी, वू का मतलब होता है यू, इल का मतलब होता है दे और एल का मतलब होता है दे. दिस वन इज फॉर मैस्कुलिन एंड दिस वन इज फॉर फेमिनाइन. ओके स्टूडेंट, सो वी हैव टू रिमेम्बर दिस वर्ड्स. हम कैसे याद रखने वाले इसको? ज, क्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल. ओके, सो डोंट हैव टू प्रोनाउंस द लास्ट लेटर एस. Jatiu ilel, nuvu ilel, jatiu ilel, nuvu ilel, jatiu ilel, nuvu ilel, ayu hishi viu dede, ayu hishi viu dede, ayu hishi viu dede, jatiu ilel, nuvu ilel. You can pronounce with me. Jatiu ilel, nuvu ilel, ayu hishi viu dede. Okay? So now what I will do, let's see, harik words, harik ke endings to solve karne ke liye, there are a few rules and we are going to look at the rules. Okay? तो ईआर एंडिंग को अगर सॉल्व करना है तो रूल क्या है, सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉप ईआर. व्हाट डू वी हैव टू डू? ड्रॉप ईआर. एंड नंबर टू, एंडिंग्स लगाने. क्या करना है? एंडिंग्स लगाने. एंडिंग्स. सो व्हाट आर द एंडिंग्स ऑफ ईआर एंडिंग वर्ब्स? ई, ईएस, ई, ई, ओएनएस, ईजेड, ईएनटी, ईएनडी. सो द टू रूल्स ऑफ ईआर एंडिंग वर्ब्स आर, रूल नंबर वन, यू टू ड्रॉप ईआर, यू टू ड्रॉप ईआर. And rule number two, you have to add the endings. And what are the endings? E, E, S, E, E, O, N, S, E, Z, E, N, D, E, N, D. E, E, S, E, E, O, N, S, E, Z, E, N, D, E, N, D. तो आइए देखते हैं, इस एंडिंग से हम किस तरह से वर्ब को कॉन्जुगेट कर पाएंगे. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जुए, जे ओ यू ई आर. जुए मीन्स टू प्ले. जुए मतलब क्या होता है? टू प्ले. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कॉन्जुगेट. हमको इस फॉर्म में कॉन्जुगेट करना है. Jatiu ilel, nuvu ilel. सबसे पहले क्या आएगा? ज. ओके, रूल नंबर वन, ड्रॉप ई आर. अच्छा, जुए रोबे, अगर ई आर ड्रॉप कर देंगे क्या, जे ओ यू, फिर क्या बचा? ई. एक्स्ट्रा क्या आएगा? ई. क्यू, क्यू में क्या आएगा? अगेन जे ओ यू, ड्रॉप ई आर एंड एट द एंडिंग्स. ई एस, इल में क्या आएगा? जे ओ यू ई. एल में क्या आएगा? जे ओ यू ई. आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? हम क्या कर रहे हैं, पहले ड्रॉप ई आर कर रहे हैं. जे ओ यू, 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 एंड देन यू हैव टू ऐड द एंडिंग्स. ई, ई एस, ई, 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 ई एस, ई, ई. यहां पे क्या आएगा? नू, जे ओ यू एंड ओ एन एस. जुआ, वू, जुए, इल, जू, एंड जू. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, I am playing, you are playing. देखो यहाँ पे I, you, he, she, we, you, they, दे. और जुए में शुभ होता है. I am playing, you are playing, he is playing, she is playing, we are playing, you are playing, they are playing, okay?
In English, there are four types of present tense. मैं इसको क्या बोल सकता हूं? I am playing, I play, I have been playing, I do play. Okay? There are four types of present tense in English, but in French we don't have. Four types of present tense. जो भी हमारे पास एक ही है. So इस French को मैं जब English में translate करूंगा, तो मैं बोलूंगा I am playing, I play, I have been playing. मैं कुछ भी use करूं, my answer will be right. ठीक है? Let's take an example. अगर मुझे इसको sentences form करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? Je joue de la guitar. I am playing guitar. या example number two. Nous jouons, J-O-U-O-N-S, we are playing cricket. So, we are playing cricket. So, I am playing guitar, yeah, we are playing cricket. Okay, students? So, ye dono hamare kya ho gaye? Ye dono ho gaye hamare examples ho gaye, examples. Similarly, achha, aap tum logo thoda thoda samjhega. Okay? So, now the first thing what we have done is ER ending verbs. Now going for IR ending verbs. You're going to go for IR ending verbs. Let's see two rules again. Okay, अब guess करो इसके two rules क्या हो गए? अगर ER ending verb में rule number one drop ER था, तो इसमें क्या होगा students? बताइए. तो drop IR, perfect. इसमें drop ER करना, तो इसमें drop IR करेंगे. Endings लगाएंगे, endings. What are the endings? IS, IS. IT, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT, ISSENT. So, ये क्या हो गया? What are the two rules exactly, students? Repeat after me. Rule number one, you have to drop ER, and rule number two, you have to add the endings. Endings क्या है? IS, IS, IT, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT, ISSENT. Superb. So, let's take an example. Finir means to finish. Khalas, khatam. Okay? So again, we'll start with it. Okay? सबसे पहले क्या करेंगे? Je form. Je. अच्छा, rule number one, drop IR. तो क्या करेंगे? IR drop करेंगे तो क्या बचा? FIN. बाद में endings क्या आएगी? IS. Q, FIN, IS. IL, FIN, IT. IL, FIN, IT. फिर यहां पे क्या आएगा? Noon. FIN. देखो रूल नंबर वन ड्रॉप IR, तो FIN बचा. एंडिंग से आएगा ISSONS. वो FINISSEZ. इल FINISSENT. एंड एल FINISSENT. फिनिश. ओके. सो इफ यू सी स्टूडेंट्स, ये क्या है? The verb is finish. Finish means to finish. तो I am finishing, you are finishing, he is finishing, she is finishing, we are finishing, you are finishing, they are finishing. Okay, let's read in French. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, il finit, elle finit. Okay, what is the English translation of this verb? Jouer means to play. Je joue, tu joues, il joue, elle joue. Nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. Okay, students? So, again, let's take some example. Example number one. What can be the example number one? Elle finit le devoir. Okay? Iska matlab kya hoga? She is finishing the homework. Homework, write the meaning over here. She is finishing the homework. Second one. Nous finissons le travail. We are finishing the work. हमने क्या किया? हमारा काम समाप्त कर दिया. Okay, these are some examples. Fine, students. Next is going with the last type of verb is called as RE ending verbs.
ER में रूल नंबर वन था ड्रॉप ER, IR में रूल नंबर वन था ड्रॉप IR, तो RE में रूल नंबर वन क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली ड्रॉप RE, रूल्स लिखेंगे यहां पे हम लोग, तो रूल नंबर वन क्या होगा हमारा? ड्रॉप RE, एंड रूल नंबर टू एंडिंग्स लगाएंगे. लेट्स सी व्हाट आर द एंडिंग्स, व्हाट आर द एंडिंग्स? द एंडिंग्स आर S, S कुछ नहीं कुछ नहीं, O N S, E Z, E N D, कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब वहां पर हम लोग कोई भी एंडिंग्स नहीं डालेंगे. S S कुछ नहीं कुछ नहीं, O N S E Z E N D E N D, S S कुछ नहीं, O N S E Z E N D E N D. So let's see an example. The example is Vondra. So we'll take the example from a red mark, black marker. Vondra, V E N D R E. Vondra means to sell, sell, sell. बेच देना. So तो क्या कहा? J V E N D. देखो R E drop करना. Rule number one drop R E. तो V E N D बचा. Endings क्या extra? S U V E N D extra S. कुछ नहीं का मतलब ऐसा नहीं है कुछ मत लिखो, लिखना होता है, लिखना होता है, पर क्या लिखेंगे हम? L V E N D आएगा खाली, V E N D, L V E N D. ओके, यहाँ पे नू क्या आएगा? नू, सबसे पहले आर ई ड्रॉप करेंगे, V E N D बचा, V E N D, फिर O N S, वू V E N D E Z, इल V E N D E N T, L V E N D E N T. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट डू वी हैव डन, व्हाट हैव वी डन सो फार? रूल नंबर आर ई, आर ई का रूल नंबर वन क्या है? ड्रॉप आर ई, तो जो भी वर्क दिया होगा उसका ड्रॉप आर ई कर दो, एंड एंडिंग्स लगा दो, एंडिंग्स लगा दो. ओके, एंडिंग्स क्या है? एस एस कुछ नहीं ओ एन एस ई जेड ई एन डी ई एन डी. ओके, इट्स आर ई एंडिंग वर्ब, तो क्या आएगा? ज वॉन्ड, क्यू वॉन्ड, इल वॉन्ड, एल वॉन्ड, नू वॉन्डो, वू वॉन्डे, इल वॉन्ड, एल वॉन्ड. ओके, वॉन्ड मींस टू सेल, सो आई एम सेलिंग, यू आर सेलिंग, ही इज सेलिंग, शी इज सेलिंग, वी आर सेलिंग, यू आर सेलिंग, दे आर सेलिंग, दे आर सेलिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग फिर से क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू लुक एट सम एग्जांपल्स. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर वन, एल वॉन्ड ला मेजों. सो क्या होगा? शी सेल्स द हाउस, उसने अपना घर बेच दिया. शी सेल्स द हाउस. ओके स्टूडेंट्स, सो क्या होगा? आई सेल, यू सेल, ही सेल, शी सेल्स, वी सेल, यू सेल, दे सेल, दे सेल. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एल्स इल्स वॉन्ड ल लिवर, एल आई वी आर ई, तो दे आर सेलिंग, क्या आएगा? दे सेल द बुक. ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली कौन सी चीजें तुम लोग को याद रखनी है, कौन सी चीजें तुम लोग को याद रखनी है? द वेरी फर्स्ट थिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? जक यू इलेल नू वू इलेल आई यू हिशी वी यू दे दे. जक यू इलेल नू वू इलेल आई यू हिशी वी यू दे दे. लर्न इट इन अ वे सिस्टमैटिकली, यू विल एंजॉय इट. ओके, इन फ्रेंच कितने टोटल रेगुलर वर्ब्स होते हैं? तीन टाइप के रेगुलर वर्ब्स होते हैं, आई आर एंडिंग वर्ब्स, ई आर एंडिंग वर्ब्स, एंड आर ई एंडिंग वर्ब्स. ई आर एंडिंग वर्ब्स इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ब्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ब्स, सबसे ज्यादा वर्ब्स ई आर एंडिंग वर्ब्स के है. ओके, तो कोई भी वर्ब होगा ई आर आई आर ई, रूल नंबर वन से यू टू ड्रॉप द एंडिंग. ड्रॉप क्या करना है? आई आर एंड ड्रॉप कर दो, ई आर ड्रॉप कर दो, या आर ई ड्रॉप कर दो. एंड रूल नंबर टू क्या होगा? एंडिंग्स लगानी है. एंडिंग्स क्या होता है ER का? ई ई एस ई, ई ओ एन एस ई जेड ई एन डी एन डी. आई आर आई एस आई एस आई टी आई डी, आई एस एस ओ एन एस आई एस एस ई जेड आई एस एस ई एन डी आई एस एस ई एन डी. एंड फाइनली RE का एस एस कुछ नहीं ओ एन एस ई जेड ई एन डी ई एन डी. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन देयर आर फ्यू वर्ब्स व्हिच इज सॉल्व इन फ्रंट ऑफ यू. अच्छा, मैं क्या करने वाला हूं? मैं थोड़े वर्ब्स लिखने वाला हूं. यू हैव टू सॉल्व दोज वर्ब्स, एंड यू कैन सॉल्व दोज वर्ब्स ऑन अ पेपर, एंड देन यू कैन मैसेजेस ऑन द नंबर दैट्स गिवन इन द कैप्शन. ओके, लेट्स सी. मैं ER एंडिंग के वर्ब्स भी यही लिख रहा हूं सबसे पहले. ओके, ये क्या है? ER एंडिंग वर्ब्स है. फर्स्ट मैं लिख रहा हूं एमेल टू लाइक, फ्यूमेल आप सबका फेवरेट, टू स्मोक, देन आएगा
regarder, to look at. और एक फोर्थ लिख रहा हूं donner, donner. If you cannot see, it's written donner, donner to give, donner to give. Okay, IR ending verb सीख रहा हूं अभी, IR ending. हमने कौन सा वर्ब लिया ऑलरेडी, फिनिर वर्ब हमारा हो चुका है. फिनिर के बाद हमने लिखा यहां पे जॉनीर, जॉनीर टू टर्न येलो, टू टर्न येलो. उसके बाद क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, जॉनीर के बाद आएगा वर्दीर टू टर्न ग्रीन, रुजीर टर्न रेड, या तो समझ टू ब्लश भी होता है, टू ब्लश. एंड फाइनली गोइंग फॉर द लास्ट वन, आरी एंडिंग वर्ब्स. फर्स्ट क्या आएगा, दे सौंद्र टू डिसेंड, सेकेंड ऑन तौंद्र, इट इज ई एन T-E-N-D-R-E, on the other to listen, yeah, to your, Desondro, Antondro, aur ek kya hai, chalo, we'll take this many verbs now, Antondro, Desondro, Vondro, okay, so filhal itne regular verbs ki list maine aapko khud di hai, what you can do is, you can conjugate these verbs nicely, systematically on the paper, and you can send us photos on WhatsApp, okay, on the number given us on the link, so you can just have a look on the entire screen nicely. Okay, I'll just, now you can look at the part what is written on the below line. Okay, you can just look at properly what is written on the last line. Make sure whatever is written with the red color, you have to learn those things. Okay, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को. व्हाट वी हैव डन आर द रेगुलर वर्ब्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लुक एट सम इररेगुलर वर्ब्स आल्सो. दिस इज एंटायरली द प्रेजेंट टेंस दैट वी हैव स्टडी टुडे, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. इफ यू हैव लाइक आवर वीडियो एंड इफ यू हैव लर्न समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, ओके, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एंड मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, एंड वी विल कीप टीचिंग यू फ्रेंच एंड एंटरटेनिंग यू एट द सेम टाइम. मेर्सी बोकू, मेर्सी, थैंक यू. Au revoir. The greetings part what I have taught you in the video, make sure you learn them and use it every day. Merci. Au revoir.